लोग तो नहा लिए दोस्तों, और हाँ बहुत ठंडी तो लगी। हे गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों अभी मैं आया हूँ दिलीप लोगों के खेत साइड, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा लाइट है, हाफ है, तो मोबाइल को चार्ज किए हैं और आप लोग देख सकते हैं सीन कुछ ऐसा है। इधर आइए, दिलीप दिखाते हैं सबको, मतलब हमारे दोस्तों को दिखाते हैं, भाई को दिखाते हैं, बहनों को दिखाते हैं, माताएं को दिखाते हैं, बच्चों को दिखाते हैं, सबको दिखाते हैं। आप लोग देख सकते हो मस्त, क्या मस्त प्यारी प्यारी फूल्स लगे हैं। वाह वाह, क्या स्वादिष्ट हवा है। तो देख सकते हो दोस्तों मस्त, इधर का सीन कुछ ऐसा है। इधर लगे हैं, यहाँ पर गन्ने थे, गन्ने को पूरा उखाड़ कर फेंक दिए हैं, और इधर मस्त हरा भरा दिलीप बढ़िया सा गार्डन बनाया है, मतलब खेत में। इधर भी देखिए आप लोग, आम का पौधा लगा है, नारियल का है, अमरूद लगा है, और इधर ये फरसा का फूल फागुन में फूलता है। क्या बोला तूने? इधर नीलगिरिया है। हाँ तो दोस्तों ये बोर है, कभी कभी नहाने के लिए यहाँ पर आ जाता हूँ मैं भी, बट आज लाइट गोल है, थोड़ा सा है तो इससे नहीं चलेगा। तो हम लोग जाएंगे स्पेशल नहाने के लिए आज नदी में, क्योंकि वहाँ पर बनाया है बांध। और हाँ, तो बनी रही है नागर सेठा ब्लॉग के साथ पारो। अभी हम दिलीप के घर में आए हैं, और दिलीप पूरा जो भी पकड़ना है वो पकड़ लिया है, छड़िया बनियान ने पकड़ लिया है यार भाई लोग। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से नहाने के लिए नदी साइड। तो चलो उधर का सीन दिखा दें आपको, गजब है, मस्त है, ठंडी ठंडी कूल कूल पानी दिखाएंगे आपको। हाँ तो चलो, ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। तो ये रास्ता है दोस्तों नदी साइड जाने का, तो चलो जा रहे नदी साइड, कुछ देर में पहुंच जाएंगे। 500 मीटर की दूरी में है नदियाँ। तो ये दोस्तों आप लोग देख सकते हो पूरा पानी भरा है, और वहाँ एक बंदा नहा रहा है पास। अभी हम इधर जाके इधर नहाएंगे, क्योंकि इधर सुविधा है ना नहाने का, सभी साइड है सुविधा है वैसे। तो इधर हम जाएंगे, हमें इधर पसंद आया नहाने का, तो हाँ चलो। तो अभी हम पहुँच गए हैं इधर, आप लोग देख सकते हो बड़ा सा पत्थर है, यहाँ पर हम चढ़ सकते हैं, तो चढ़ेंगे। और देखिए यहाँ का सीन कुछ ऐसा है भाई, इतनी ठंडी है पानी की, आते आते बहुत हो गया है, मतलब ठंडी लगी है पैर। और नहाएंगे तो कैसा होगा उसको बताएंगे, क्या है आगे का सीन। और हाँ तो चलो यहाँ पर चढ़ के दिखाते हैं आपको, यहाँ का सीन भी दिखाएंगे। इधर से चढ़ने का है दोस्तों, बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। मिशन फेल होता हुआ, बट दिस इज मिशन सक्सेस करेंगे, अब मिशन सक्सेस होगा दोस्त। Yes, done, 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 done. तो हमने मोबाइल नहीं पकड़ा यहाँ से, और ये हम पहुंच गए। दोस्तों यहाँ पर तो चढ़ गया मैं, आपने देखा, आप देख भी रहे हो। हाँ तो दोस्तों अब दिलीप चढ़ेगा तो मैं बनाऊंगा वीडियो। तो दोस्तों हम लोग आ जाए हैं हमारे गांव के नदी में, और ये बहुत बड़ा पत्थर है जो अभी आप देख पा रहे हैं। मैं इधर से मोबाइल लेने ऊपर देख रहे हो, नागेश भाई ही 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 अभी अपना रिकॉर्ड करेगा। नमस्ते नमस्ते, कैसे बड़े, नमस्ते बड़े, नमस्ते। ओके तो भाई लोग यहाँ से सीन कुछ ऐसा है, आप लोग देख सकते हो हम लोग चढ़े हैं, मतलब दिलीप भी चढ़ा है उधर से। कम ऑन ब्रो एक भैया, कम ऑन करते कहाँ, तो फेंका लगो ही तेरा कम ऑन का बॉय किधर गया बोरे। कम ऑन मेरे को डर लग रही है, और मैं चढ़ गया हूँ इस पत्थर पर, बहुत ऊंचा है दोस्तों, नीचे तो बहुत आप लोग देख सकते हो खाई टाइप का लग रहा है, बट उतना खाई नहीं है जितना बता रहा हूँ। हाँ तो आप लोग देख सकते हो इधर का सीन, और मम्मी इधर का सीन कुछ ऐसा है, और सन लाइट मेरे चेहरे पर पड़ रही है, तो डर भी लग रही है ऊंचाई से, तो मैं यहाँ से उतरने वाला हूँ अभी। तो भाई लोग हम दोनों यहाँ पर पावर करके इस पत्थर पर चढ़ चुके हैं, और यहाँ का सीन दिखाएंगे आपको। दिलीप चारों साइड का सीन दिखा दे बिड़ू। हाँ तो दोस्तों सीन कुछ ऐसा है हमारे गाँव का नदी का, पत्थर से चढ़ने के बाद कुछ ऐसा दिखता है हरा भरा, और नीचे बहुत खाई है। और हाँ दोस्तों एक खासियत यहाँ की ये है कि दोस्तों ये बनियान ट्री बोले तो बरगद का पेड़ पत्थरों के बीच से उगा है, और देखिए नेचुरल का पावर, आई लाइक दिस। तो दोस्तों यहाँ पर हम चढ़े हैं और आराम से उतरेंगे, और आराम से ही चढ़े थे,
और अगर आपके साइड भी ऐसा होगा तो आप सेफ्टी के साथ चढ़िए, सेफ्टी के साथ उतरिए, क्योंकि जीवन अनमोल है। जीवन अनमोल होता है बीडू लोग, आप जीवन अनमोल है, अनमोल है। और हम दोनों की शादी भी नहीं हुई है तो इधर बहुत खाई है, गिरने से फिनिश होने नहीं होंगे यार, फिनिश ना नहीं होंगे, खाई नहीं है, रहती है। और शादी नहीं हुई है भाई, लूले लंगड़े हो जाएंगे तो कोई लड़की पसंद नहीं करेगी, वैसे अभी सिंगल है हम। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो इस बात को इग्नोर करो। तो अब यहाँ से उतर रहे हैं भाई, और बाकी लोग भी नहाने के लिए आए हैं, मतलब दोस्त लोग पारा पड़ोस के, आस पड़ोस के। हाँ तो चलो यहाँ से उतरते हैं, बेहतर रहेगा। और वैसे अब डर भी नहीं लग रही है, लेकिन ऊंचाई से डर लगती है, तो चलो उतरते हैं। ओके ओके। तो भाई लोग अब हम यहाँ से उतर रहे हैं, और पहला सेफ्टी है ये टहनी, जो कि बहुत मजबूत है, और बरगद का टहनी बहुत मजबूती होता है। और हाँ, अपना भी भरोसा होना चाहिए आपको उतरने का। तो ये पहली टहनी सपोर्ट है, ये सेफ्टी था इसलिए चढ़े हैं। और दिलीप भाई भी धीरे धीरे उतर रहा है। तो आज तो बेयर ग्रिल्स फील हो रहा है, मतलब बेयर ग्रिल्स सर को देखे हैं हम लोग मैन वर्सेस वाइल्ड में। तो ऐसी पहाड़ों को चढ़ते हैं सेफ्टी के साथ, सतर्कता के साथ। और एक टहनी ये है दोस्तों, इसके बाद यहाँ से ऐसी अब बिना पकड़े चल सकते हो। और एक टहनी ये है नीचे उतरने का, तो जस्ट नीचे कुछ मीटर दूर में है, ज़्यादा ऊँचा नहीं है। तो एक टहनी ये है, ये भी थोड़ा सा टूट गई है, बट हाँ। तो इधर एक पैर रखने का जगह है यहाँ पर, और एक पैर रखने का यहाँ पर जगह है, और एक पैर रखने का जगह यहाँ पर है। तो यहाँ से आप जंप करके उतर सकते हो। तो दिलीप भाई आप भी आराम से उतरिए, अपना मोबाइल को संभालिए, आइए। दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये बरगद का पेड़ ना पत्थरों के बीच से उगा है, तो आप लोग देख सकते हो इसका रूट ना यहाँ से गया है नीचे से, और ये ना पत्थर जो देख रहे हो क्रैक हो गया है, यहाँ से निकला है ये, देखिए यहाँ से रूट, और ये है यहाँ से निकला है और ऊपर तक गया है। और यहाँ का सीन कुछ ऐसा है दोस्तों, बहुत बड़ा पत्थर है, और हाँ बड़ा भी नहीं है, नीचे गिर गया मैं, आप लोग देख सकते हो सीन कुछ ऐसा, और दिलीप ऊपर से फोटो ले रहा है। तो दोस्तों हमने ऊपर चढ़कर मतलब इस पत्थर पे चढ़े, फोटो लिए, वीडियो लिए, वीडियो शूट किए, थंबनेल के लिए फोटो भी ले लिए हैं। अब नहाएंगे हम इस पानी में, और अभी भी पानी ठंडी है दोस्तों, आज तो लगता है आएगा। हाँ तो चलो नहाते हैं दोस्तों, और वैसे 1 बज रहे हैं अभी, तो नहा के जाएंगे घर यहाँ से। हम लोग तो नहा लिए दोस्तों, और हाँ बहुत ठंडी तो लगी थी, आप लोग देख सकते हो बड़ा सा पत्थर है ये इधर। तो ये पत्थर को यहाँ पर कौन ला के रखा है ये हमको नहीं पता दोस्तों, ये प्राचीन काल से है, जब हम थे नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर ला मतलब था होगा भाई बहुत पहले से, अभी हम तो बच्चे हैं। हाँ तो चलो दोस्तों यहाँ चलते हैं, बहुत टाइम हो गया इधर आए थे हम लोग। तो भाई लोग अभी हम हमारे घर में हैं, दिलीप आया है वो धान कुटवाने के लिए, तो इंतज़ार कर रहा है कितना टाइम इसका बारी आएगा। तो अभी हम बैठे हैं हमारे घर की सीढ़िया में, आप लोग देख सकते हैं सीन कुछ ऐसा है, इधर का भी देख लीजिए और इधर का भी देख लीजिए। तो दोस्तों बैठे हैं बस इंतज़ार कर रहे हैं इसके बारी का, उसके बाद हम कहीं जाने वाले हैं। तो भाई लोग हम दिलीप के साथ कहीं जाने वाले थे बट नहीं जा रहे हैं, अभी मैं घर में हूँ, दिलीप अपने घर में है। तो दोस्तों कुछ देर बाद मैं दिलीप के घर ही जाऊँगा, क्योंकि कुछ काम था उसके साथ, तो काम करेंगे, उस काम को निपटाएंगे मतलब कम्प्लीट करेंगे। तो और उसके बाद खाना वाना खाएंगे, वैसे घर में खाना बन गया, कुछ देर बाद खाना ही खा के जाऊँगा उधर, तो मिलते हैं खाना खाने के बाद। भाई लोग खाना पीना भी हो गया, और हाँ दोस्तों आज हमने बहुत मस्ती की दिलीप के साथ, नदी साइड गए थे, उस पत्थर में चढ़े थे, वीडियो शूट किए, फोटो शूट किए, और पानी में भी बहुत मस्ती किए हैं, स्विमिंग किए हैं बढ़िया। और हाँ उसको तो नहीं डाल सकता दोस्तों, बिकॉज हाँ अंडरवियर में ही था ना, हाँ तो उसको नहीं डालूंगा ब्लॉग में। तो खाना खा लिया हूँ मैं और टहलने के लिए जा रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों आज का ब्लॉग आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं दोस्तों कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।